सम एडवांस टॉपिक हैं। ये हमारा फिलहाल फर्स्ट यूनिट का एडवांस टॉपिक है, जो सैटेलाइट कह लीजिए या जीपीएस कह लीजिए, जो ऐड किया है सिलेबस में हम लोगों ने। पहले ये नहीं होता था, ये एक तरीके से रिलेटिविटी की एप्लीकेशन है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, टुडेज लेक्चर इज ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज जीपीएस। तो पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो सामने लिखा है इसको। जीपीएस इज अ पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑफ अ सैटेलाइट दैट कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट कोडेड इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट कैन बी इंटरप्रिटेटेड बाय रिसीवर टू प्रिसीसली आइडेंटिफाई लोकेशन ऑन द अर्थ बाय मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट। GPS is funded by and controlled by USA Department of Defense, DOD. The system is called Navigational Satellite Timing and Ranging. So, hai kya GPS project was started by USA Department of Defense in 1973. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973. जो फर्स्ट प्रोटोटाइप स्पेस क्राफ्ट है वो भेजा गया था 1978 में। और टोटल जितने कंस्टेलेशन है, टोटल 24 सैटेलाइट्स होती हैं। तो 24 सैटेलाइट जो पूरी हुई थी भेज भेज की, वो हुई थी 1993 में, कंप्लीट हुआ था ये पूरा, कि 24 सैटेलाइट पूरे अर्थ के चारों तरफ हो गई थी। शुरू में ये लिमिटेड था, सिर्फ डिफेंस के लिए था, मिलिट्री के लिए था। यूएसए ने सिर्फ अपनी मिलिट्री के लिए ये लॉन्च किया था सिस्टम, या प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया था वो सिर्फ उन्होंने अपने मिलिट्रीज के लिए किया था। बाद में सिविलियंस का यूज हो गया, और ये हुआ करीब 1980s में, सिविलियंस भी इसमें इंक्लूड हो गए, वो उसके डाटास को देख सकते थे जीपीएस पे। GPS concept is based on the time and the known position of GPS specialized satellite. The satellite carry very stable atomic clocks that are synchronized with one another with the ground clocks. तो होता क्या है, satellites होती हैं इसमें, satellites में atomic clocks होती हैं जो कि सिंक्रोनाइज होती हैं एक दूसरे के साथ भी, और जो ग्राउंड पे क्लॉक है उनके साथ भी उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है, मैच करा जाता है टाइम को कंटिन्यूअसली, या कह लीजिए वो अपडेट होती रहती हैं। एनी डिप फ्रॉम द मेंटेन ऑन द ग्राउंड इज करेक्टेड डेली इन द सेम मैनर द सैटेलाइट लोकेशन आर नोन विद द ग्रेट प्रिसीजन। जीपीएस रिसीवर हैव क्लॉक एज वेल बट दे आर लेस स्टेबल एंड लेस प्रिसाइज। जो जीपीएस है हमारे, इनके रिसीवर्स पे भी क्लॉक्स होती है, बट वो लेस स्टेबल और लेस प्रिसाइज होती है इन कंपैरिजन जो सैटेलाइट्स के अंदर क्लॉक्स होती हैं उनके कंपैरिजन में। ईच जीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूअसली ट्रांसमिटेड अ रेडियो सिग्नल कंटेनिंग द करंट टाइम एंड डाटा अबाउट इट्स पोजीशन सिंस द स्पीड ऑफ। अब क्या हो रहा है, जीपीएस तो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, लेकिन जो यहाँ से सिग्नल्स हम भेज रहे हैं वो हम क्या करते हैं, जो सिग्नल्स हैं उनको कोड करके हम रेडियो वेव्स के साथ इन सैटेलाइट्स में भेजते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ईच जीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल कंटेनिंग द करंट टाइम एंड डाटा अबाउट इट्स पोजीशन सिंस द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सैटेलाइट स्पीड एंड द टाइम डिले बिटवीन व्हेन सैटेलाइट ट्रांसमिट अ सिग्नल एंड द रिसीवर इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर। A GPS receiver monitor multiple satellite. तो जो GPS receiver है वो एक साथ multiple satellite को monitor करता है and solve equation to the determine the price position of the receiver and its deviation from the true time. तो क्या होता है, time में changes हो जाते हैं, जो real time है और उसके जो data में जो time आ रहा है उनमें delay होता जाता है। At the minimum 4 satellite must be viewed of the receiver for it compute for 4 unknown quantities. अगर एक पोजिशन की बात करूं, एक पोजिशन पे एटलीस्ट 4 सैटेलाइट का व्यू रहता है, 4 सैटेलाइट उस पोजिशन को ऑब्जर्व करती हैं, 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट और एक हमारा क्लॉक डेविएशन फ्रॉम सैटेलाइट टाइम। अब मैंने क्या बताया, ये जो हमारा पूरा कंसेप्ट है या प्रोजेक्ट है, ये यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था। शुरू में ये सिर्फ मिलिट्री तक सीमित था, बाद में इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को ऐड किया यूएस ने, और फिर ये बाद में सबके लिए जनरलाइज, सिविलियन के लिए भी जनरलाइज कर दिया। शुरू में टोटल 24 सैटेलाइट सेंड की गई,
जो कि अब 30+ हो चुकी हैं। जो हमारी ये जीपीएस या कह लीजिए जो सैटेलाइट है, जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमारी करीब 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव करती हैं। और ये इस तरीके से मूव करती हैं कि जो एक दूसरे से कोलाइड भी नहीं करती। इन सब की जो ऑर्बिट है ये 24, अगर मैं 24 भी मानती हूँ, अब तो 30+ हो गई, कि जो 24 हमारी जो सैटेलाइट्स हैं एक दूसरे से कोलाइड नहीं करती। सबकी जो ऑर्बिट्स होती है वो अलग अलग होती है, और हर एक सैटेलाइट अर्थ का रोटेशन कर लेती है ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार वो इसको रोटेट कर लेती है। अगर हम इस वेलोसिटी को देखें, काफी हाई वेलोसिटी है, तो टाइम डायलेशन के इक्वल जो है डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c² होता है। यहाँ से अगर हम टाइम डिले कंसीडर करेंगे तो जो टाइम डिले कंसीडर करके आता है वो 5 माइक्रो सेकेंड के अराउंड आता है। ठीक है, ये हम जो कंसीडर कर रहे हैं ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या है, दो तरह की थ्योरी मैंने आपको बताया भी था, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंसीडर करते हैं और ये बोलते हैं कि सैटेलाइट वी वेलोसिटी से, यानी कि 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो तब हम अगर हम टाइम डायलेशन को कंसीडर करके टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारी सैटेलाइट्स में क्लॉक है उसमें 5 माइक्रो सेकेंड का डिले हो जाता है, या कह लीजिए उनकी जो टिक्स हैं वो इतने सेकेंड डिले हो चुकी होती हैं। अगर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करते हैं यहाँ पे आया 7 माइक्रो सेकेंड का डिले। ठीक है, अगर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी नहीं है इसलिए इसलिए थोड़ा सा ही बता रही हूँ, उसके बारे में ज्यादा नहीं बता रही हूँ, ना फॉर्मूले बता रही हूँ उसके। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है मैसिव बॉडी है, अगर इसके पास अगर कोई क्लॉक होती है तो वो स्लो मूव करती है, और जैसे जैसे इस बॉडी से हम दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती जाती है, इन कंपैरिजन टू क्लॉक जो ग्राउंड पर है, उसके कंपैरिजन में जो क्लॉक इससे दूर है वो फास्ट होती है। तो अगर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करते हैं तो जो सैटेलाइट में क्लॉक है वो करीब 45 माइक्रो सेकेंड फास्ट टिक करती है, तेज हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट देखें, दोनों को कंबाइंड करें, तो जो क्लॉक में डिफरेंस आता है वो हमारा 38 माइक्रो सेकेंड आता है। 38 माइक्रो सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 38,000 नैनो सेकेंड्स। अब ये देखने में बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, हमें ऐसे लगेगा इतना टाइम अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, बट ये इन अ डे, ये जो हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिले टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इन अ डे डे कर रहे हैं, ये इन अ डे है, ये भी इन अ डे है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये भी इन अ डे, कि एक दिन में इतना टाइम डिफरेंस हो जाता है क्लॉक में अगर हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं करें तो। बट ये एक दिन का है, फिर अगले दिन इतना और होगा, तो ऐड ऐड होते होते 2 साल में 3 साल में डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो हम पोजिशनिंग के टाइम की बात कर रहे हैं वो हमें सही टाइम नहीं मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, मान लीजिए ये जो डिले है ये अभी माइक्रो सेकेंड में है तो एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको 10 मिनट ले लेते हैं। ये जो ये डिफरेंस है ये 10 मिनट्स है, जो हमारी अर्थ की क्लॉक है और जो हमारी सैटेलाइट की क्लॉक है, इनका 10 मिनट का डिफरेंस है, और 10 मिनट का हो भी जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो दोनों क्लॉक में 10 मिनट का या इससे ज्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं हम कार में बैठे, हमने कार से सिग्नल भेजा गूगल, हम क्या करते हैं कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं रास्ता देखने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए। ठीक है, तो गूगल मैप ऑन किया, हमने भेजा कि हमें इस डिस्टेंस पे जाना है, नॉर्मली ये जो डिस्टेंस है हमसे 10 मिनट डिस्टेंस पे है, ठीक 10 मिनट बाद हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमने जो सिग्नल भेजा वो 11 बजे भेजा, कि 11 बजे सैटेलाइट पे सिग्नल गया कि 11 बजे हमने भेजा कि हमें इस डिस्टेंस पे जाना है, लेकिन इस घड़ी क्योंकि ये 10 मिनट्स फास्ट चल रही है हमारी घड़ी से, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों कंसीडर किए तो फास्ट होती है ये क्लॉक, तो इसके अकॉर्डिंग ये टाइम हो रहा है 11:10।
तो ये क्या करेगी कि ये दिखाएगी कि इतनी डिस्टेंस 10 मिनट 10 मिनट की डिस्टेंस पे है, तो ये हमें क्या बताएगा कि ये 11:20 पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये हमें जो डिफरेंस दिखा रहा है ये 20 मिनट्स का दिखा रहा है कि आपको 20 मिनट्स लगेंगे इस डिस्टेंस पे जाने के, लेकिन जो कि एक्चुअल में क्या था 10 मिनट्स का। तो हम एक्यूरेटली फिर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक का, डिस्टेंस का, और जैसे जैसे ये डिले बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है, जब ये सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं तो जो इंजीनियर्स होते हैं इसके अंदर जो क्लॉक्स होती हैं उनको इस तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं कि जब वो ऑर्बिट में सेट हो जाती हैं वो कंटिन्यूअसली अपने आप को सिंक्रोनाइज या अपडेट करती रहती हैं, और जो ये डिले है उसको कंपनसेट कर देती हैं, उसको अपडेट करती रहती हैं। इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है जब ये इंजीनियर्स सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो दिखा, ये दिखा रहे हैं। हाँ बताइए। मैम डिफरेंस कितना बताया था मैम, मैं आपने, ये कह रहा हूँ मैम हाँ कितना बोलिए। माइक्रो? 38 माइक्रोसेकेंड्स का है जब हम जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी दोनों रिलेटिविटी को कंसीडर कर लेते हैं, और डिले नहीं है ये, इतने माइक्रोसेकेंड फास्ट हो जाती है जो सैटेलाइट की घड़ी है। लेकिन कब, मैम जब ये स्पेशल अभी जब ये स्पेस जनरल थ्योरी थ्योरी में रिलेटेड, तो स्पेशल थ्योरी में 7 माइक्रोसेकेंड का डिले होता है। तो पढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए। Each satellite carries with atomic clock, ticks with nominal accuracy of 1 nanosecond. जो हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 नैनोसेकंड होती है। अ जीपीएस रिसीवर इन अ कार कैन गिव एक्यूरेट रीडिंग ऑफ पोजिशन, स्पीड एंड कोर्स ऑफ इन रियल टाइम। मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक डिफरेंशियल जीपीएस, रियल टाइम काइनेटिक्स मेथड्स डिलीवर सेंटीमीटर लेवल पोजिशन विद फ्यू मिनट्स ऑफ मेजरमेंट। सच मेथड्स अलाउ टू यूज जीपीएस एंड रिलेटेड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डाटा टू बी यूज फॉर हाई प्रिसीजन ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड अदर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग ग्रेटर रियल टाइम पोजिशन एक्यूरेसी दैट कैन बी अचीव विद स्टैंडर्ड जीपीएस रिसीवर। टू अचीव दिस लेवल ऑफ प्रिसीजन क्लॉक टिक्स मैम फॉर जीपीएस सैटेलाइट। मैम आप जो पढ़ रहे हो वो पीपीटी शो नहीं हो रहा मैम। पीपीटी में है ही नहीं वो, मैं बोल रही हूँ भाई वो पीपीटी वो नहीं है भाई वो। पीपीटी, वो पीपीटी में नहीं है ये, लेकिन मेरे पास पीडीएफ है, मैं इसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी, ठीक है। पीडीएफ है वो, ओके यहाँ पे टाइप नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी समझाया है ना यहाँ पे ये सब, ठीक है। तो टू अचीव दिस लेवल ऑफ ओके प्रिसीजन, अगर हम चाहते हैं एक्यूरेसी ऑफ टाइम, द क्लॉक टिक्स फ्रॉम द जीपीएस सैटेलाइट मस्ट बी नोन टू एक्यूरेसी ऑफ 20 to 30 नैनोसेकंड। हाउएवर, बिकॉज द सैटेलाइट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, द इफेक्ट प्रिडिक्टेड बाय स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट टू अचीव द डिजायर 20 to 30 नैनोसेकंड एक्यूरेसी। Because an observer on ground sees the satellite in motion relative to them, the special theory relative to predict the atomic clock on satellite should be fall behind clock on the ground by about 7 microsecond. तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा, 7 microsecond डिले हो गया या फॉल पीछे हो गई पर डे, बिकॉज ऑफ द स्लोअर टिक रेट ड्यू टू टाइम डायलेशन इफेक्ट ऑन देयर रिलेटिव मोशन। फर्दर द सैटेलाइट आर इन ऑर्बिट। अब हम बात कर रहे हैं जनरल थ्योरी की, ठीक है। जनरल थ्योरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है इतना फास्ट हो जाती है तो थोड़ा सा ये बता रही हूँ। फर्दर द सैटेलाइट आर इन ऑर्बिट हाई अबव द अर्थ। अब कितनी हाई है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, ये अबाउट जो है 20,000 किलोमीटर अबव हाइट पे होते हैं ग्राउंड से, ठीक है। फर्दर द सैटेलाइट आर इन ऑर्बिट हाई अबव द अर्थ वेयर द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम ड्यू टू अर्थ मास इज लेस देन इट्स द अर्थ सरफेस। द प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल रिलेटिविटी इज दैट क्लॉक क्लोजर टू मैसिव ऑब्जेक्ट विल सीम टू बी टिक मोर स्लोली देन दोज लोकेटेड फर्दर अवे व्हेन व्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लॉक ऑन द सैटेलाइट्स अपेयर टू बी टिकिंग फास्टर देन आइडेंटिकल क्लॉक ऑन द ग्राउंड।
A calculation using the general relativity predicts that clock in each GPS satellite should get a heat ground-based clock by about 45 microseconds per day. The combination of these two real effect या relative ठीक है तो combination क्या करेंगे the combination of these two relativistic effect each satellite should tick faster than identical clock on the ground by about 38 microsecond. अगर हम दोनों real effect को दोनों relativistic effect को combine कर देते हैं तो fast हो जाएगी 38 microsecond जो उसकी ticks हैं. This sound is small, देखने में आपको कम लग रहा है, but the high precision required of the GPS system require nanosecond accuracy and 38 microsecond is about 38,000 nanoseconds. हमें accuracy कितनी चाहिए कि at least बस इतना accurate हो, 20 अगर delay हो तो सिर्फ कितना हो 20 to 30 nanoseconds का delay हम कर सकते हैं, but ये about इतना delay हो जाता है, तो उसकी comparison में तो ये बहुत high है, ठीक है? If these effects were not properly taken into account, error in global positioning would continue to accumulate at the rate of about 10 kilometers each day. The whole system would be worthless for navigation in very short time. The engineers who design the GPS system include these relativistic effect when they design and develop the system. For example, to counteract the general relativistic effect, once on orbit, onboard clocks were designed to tick at slower frequency than ground reference clock, so that once they were in a proper orbit station, their clock would appear to tick about correct rate as compared to reference atomic clock at GPS ground station. तो क्या करते हैं जो GPS में हम या satellites में clock use करते हैं, उनको धीरे tick करना के लिए प्रोग्राम करते हैं कि वो धीरे टिक करे, तो जब वो ऑर्बिट में सेट हो जाती है उनका वो धीरे टिक होना भी अर्थ के स्टेशन से जब मैच करते हैं टाइम तो दोनों सेम हो जाते हैं. यहाँ पर हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि सैटेलाइट दिखाई है, ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन पे मॉनिटर द हेल्थ पोजिशन ऑफ द सैटेलाइट इन द स्पेस सेगमेंट एंड ट्रांसमिट करेक्ट इन्फॉर्मेशन बैक टू द सैटेलाइट. जो भी हमें इन्फॉर्मेशन है वो हम सैटेलाइट में सेंड कर देते हैं और सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द ईच एंड ट्रांसमिटिंग टाइम एंड रेंजिंग मैसेज. फिर वो उस मैसेज को जो भी रिसीवर होगा जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेगा वो रिसीव कर लेगा. द हैंड हेल्ड और अदर रिसीवर यूज टू इंटरप्रेट द मैसेज एंड ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द सैटेलाइट. ये हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग की जो 24 सैटेलाइट है उसके अकॉर्डिंग फिगर है. तो आप देख भी रहे होगे कि हर एक पोजीशन पे एटलीस्ट इस तरीके जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ही दिखा रहे हैं, तो हर एक पोजीशन पे एटलीस्ट 4 to 5 सैटेलाइट्स फोकस पे रहती हैं. कई बार 4 रहेंगी, कई बार 5 रहेंगी, 6 रहेंगी, 4 से कम नहीं होंगी. हर एक पोजीशन को एटलीस्ट 4 सैटेलाइट कवर कर रही होंगी डिफरेंट एंगल से. द नॉर्मल जीपीएस ऑपरेशन कंस्टेलेशन कंसिस्ट रफली 24 सैटेलाइट. 24 सैटेलाइट स्टार्टिंग में था जो अब बढ़ के 30 प्लस हो गया है. ईच सैटेलाइट हैज नंबर ऑन योर जीपीएस स्क्रीन. न्यूअर सैटेलाइट हैव बीन सेंड अप टू रिप्लेस ओल्डर वन. जब नई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो पुरानी को रिप्लेस कर देती है. द जीपीएस सिग्नल कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस पोजिशन अबाउट सैटेलाइट एंड प्राइस टाइम ऑफ द सिग्नल. ईच सैटेलाइट ऑर्बिट दैट अर्थ इज अबाउट 12 आवर्स. मतलब एक सैटेलाइट जो है पूरा रेवोल्यूशन 12 आवर में करती है, तो एक दिन में 2 बार रेवोल्यूशन करती है. द सैटेलाइट ऑर्बिट रिपीट्स रफली सेम ग्राउंड ट्रैक ईच डे. फिर यहाँ पे 2D और 3D पोजीशन की बात कर रहे हैं. अगर हम चाहते हमारा जो सिस्टम है वो 3D सिस्टम है, अगर हम चाहते हैं कि हमें 3D पिक्चर दिखे या 3D जो हमारा सेम है वो हो, तो एटलीस्ट 4 सैटेलाइट एक बार में एक पोजीशन को कवर करनी चाहिए. नहीं करेंगी तो हमें फिर 2D पिक्चर दिखेगी. Installation for the Global Positioning System, GPS. More video clips illustrating other effects of interest to space mission design and to spacecraft design can be found at the website astronauticsnow.com. The simulations are performed using AGI's SDK. This video clip describes properties of the satellite constellation for the Global Positioning System, GPS.
The red vector facing you is the vernal equinox vector. The yellow band on the surface is the equator. The global positioning system provides three-dimensional position and time information worldwide 24 hours per day for users equipped with GPS receivers. GPS satellites transmit navigational signals. The concept is based on measuring time intervals for signals to reach the observer. The user must receive simultaneous signals from at least four GPS satellites. In other words, four GPS satellites must be directly seen by the user, constrained by the minimal elevation angle. The elevation angle is the angle of satellite over the horizon as seen from an observation point. We illustrate the visibility of satellites for a GPS user in Los Angeles, California. Red lines show when the satellites are in direct view. In this our example, we require the minimal elevation angle of satellites to be higher than 25 degrees. The GPS constellation consists of at least 24 satellites. All satellites are in orbit with a period of one half of one sidereal day, roughly 12 hours. Orbits are circular with a radius 26,562 kilometers and inclination 55 degrees. The GPS satellites are deployed in six orbit planes with the points of crossing of the equator distributed in longitude. In other words, the orbits have different right ascensions of ascending nodes. The GPS ground control segment maintains the points of equator crossing within 2 degrees from the nominal values. The minimal GPS constellation includes four satellites in each GPS orbit plane, with total 24 satellites in the constellation. Adding more satellites to the constellation increases the reliability and robustness of the system. Today, in 2007, there are 30 operational satellites. Our simulations show 29 satellites. You can see that the user on the ground always receives signals from at least four GPS satellites simultaneously. A view from a user at Los Angeles offers a different perspective on accessibility to signals from GPS satellites. One can see the stars moving in the sky as the Earth rotates about its axis. Solar illumination also changes during the day. The red lines again show the directions to satellites in direct view. These lines show a complex varying geometry of satellites available for determining users' position and time. This satellite visibility pattern is typical for the GPS constellation. Sometimes five or six or even more satellites are in view for a user in Los Angeles. Note that with the increase of the minimal elevation angle, the satellite visibility or the number of satellites in direct view would decrease. More video clips illustrating other effects of interest to space mission design and to spacecraft design can be found at the website astronauticsnow.com. Thank you for watching. Is important to everything in our lives. That is why we are totally replacing it. Wait, this what? Episode is brought to you by the Air Force Collaboratory. GPS is important. In a couple days, the Air Force is launching another new GPS satellite into space. GPS 2F5 is the fifth upgraded satellite in a long-term plan to make GPS faster, more accurate, and more efficient, which is awesome, not just because I can't find anything more than a mile from
from my home without it, but also because it's used in everything from ATMs to dog collars to farming equipment. The first generation of the Global Positioning System was created by the Air Force in 1973 for doing complex things like finding lost soldiers and instantly figuring out the math required to launch a missile from a mobile platform. GPS, as you and I know it, started in 1989 with the launch of the first GPS-2 satellite. The new network was opened completely to the public in the year 2000. The GPS network is made up of 24 operational satellites and some extras for backup. Four satellites always have a line of visibility to your receiver at any time of day. Your receiver gets information on the location of at least three of the satellites around you and the distance between you and those satellites, and using those measurements lets your receiver pinpoint where you are. It's called trilateration. Now, to do this, all the GPS satellites and receivers don't just have to know where they are, they have to know exactly what time it is when they're sending their positions. Say it's exactly noon and you check your GPS. If one of those satellites think that it's 12:01, it's gonna mess up your position. It might think you're moving. That's why every satellite's got an atomic clock in it that is accurate to a billionth of a second, and every receiver uses a quartz clock that constantly resets itself to match its time to the last one it got from the satellites. And that's also why GPS isn't just used in positioning anymore. It's also used in timekeeping situations where everything needs to be synchronized perfectly. Stock market trades use the atomic clocks in the GPS network because just a fraction of a second could change the ownership of billions of dollars. It's also used in ATMs. With more and more of our lives becoming dependent on GPS, it's not surprising that a massive upgrade is underway. Type 2F satellites like the one being launched in a few days are considered interim upgrades that have a 12-year lifespan, improved clocks, and a new type of signal for everyday use. And by 2020, we'll be using Type 3 satellites. They're going to have newer clocks that are accurate to a fraction of a billionth of a second. Super important for military and financial uses. They will also have increased signal strength and accuracy. While GPS is accurate to about 20 feet, the new Type 3 network will be accurate to an arm's length. I don't know if that's like a tall guy's arm or my arm or like a baby arm or what, but I feel like my eyes might be able to take it from there regardless. If you're interested in the GPS network, our sponsors over at the Air Force Collaboratory want you to help them.